सिद्धार्थ शुक्ला करना चाहते हैं शादी निकी तंबोली से। आइए जानते हैं खबर डिटेल में। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 के हाउस में प्यार उभर रहा है। जी दोस्तों, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पवित्र पूनिया और राहुल वैद्य के बीच में दिखे हमें कुछ प्यार भरे मोमेंट्स, वैसे ही कल के एपिसोड में ये देखा कि जब सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स जा रहे थे सोने के लिए, तब ये बेडरूम टॉक्स हो रहे थे निकी तंबोली और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच। जी दोस्तों, इन दोनों के बीच छेड़खानी चल रही थी और उसी में सिद्धार्थ शुक्ला ने दे दिया है प्रपोजल निकी तंबोली को। वो कहते हैं कि निकी तंबोली जैसी ही लड़की मुझे चाहिए। तो गौहर खान और जैस्मिन भसीन उन दोनों को छेड़ते हुए दिखी और वो दोनों भी पूछती है निकी तंबोली से कि क्या आप सिद्धार्थ शुक्ला से शादी करना चाहते हैं। तो तब निकी तंबोली ने कहा कि सिद्धार्थ मैरिज मटेरियल है, क्यों नहीं। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए, लड़की जैसी निकी तंबोली है वैसी ही चाहिए सिद्धार्थ शुक्ला को, और वो करना चाहते हैं निकी से शादी। तो क्या ही होगा, क्या ये प्रपोजल ऑफिशियल हो जाएगा या क्या ही होगा, इस सिलसिला कैसे बढ़ेगा आगे, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और क्या कुछ है आपकी राय सिद्धार्थ शुक्ला और निकी तंबोली के इस जोड़ी के बारे में, बताइएगा जरूर हमें कमेंट्स में। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ। आखिर तूफानी सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला को क्यों कर रही है फीमेल कंटेस्टेंट सीड्यूस? आइए जानते हैं खबर डिटेल में। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 के टास्क हो गए हैं शुरू। पहला टास्क जो हुआ था ज्वेल थीफ, जी दोस्तों, उसमें अभिनव शुक्ला विनर हो गए और उनको टू बी कन्फर्म से कन्फर्म का स्टेटस मिल गया। अब फीमेल कंटेस्टेंट्स अपने आप को कैसे करेंगी कन्फर्म इन द बिग बॉस हाउस, तो इसलिए बिग बॉस ने उनको दिया है टास्क। और उस टास्क में ये दिख रहा है कि वो सारी की सारी कर रही है सिड्यूस सिद्धार्थ शुक्ला को, उनको इम्प्रेस करना है हमारे डैशिंग सिद्धार्थ शुक्ला को, और इसलिए वो सारी की सारी दिख रही है अपने बेस्ट अवतार में रेडी होके। जी दोस्तों, बेस्ट अवतार में रेडी हो गई है ये सारी की सारी और वो कर रही है इम्प्रेस सिद्धार्थ शुक्ला को। रेन डांस भी दिख रहा है हमें और हर एक फीमेल कंटेस्टेंट नहीं छोड़ रही कोई भी कसर इम्प्रेस करने हमारे डैशिंग तूफानी सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला को। अब इसी के चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सेंसुअस माहौल में थोड़ी सी हो गई गर्मा गर्मी बिटवीन निकी तंबोली एंड पवित्र पूनिया। पवित्र पूनिया ने निकी तंबोली का जो सर्विंग ट्रे ले जा रही थी निकी तंबोली, उसको उड़ा दिया। और इसके बाद निकी तंबोली के ये वर्ड्स थे पवित्र पूनिया को कि आई विल किक यू। तो क्या ही रंग लाएगी इन दोनों की जंग, हम भी है उत्सुक। और आपको क्या है कहना, आपकी जो भी है राय बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। क्या बिग बॉस 14 के तूफानी सीनियर्स के बीच उभर रहा है प्यार? आइए जानते हैं खबर डिटेल में। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं जो दो सीनियर्स के बारे में बात कर रही हूँ वो गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है, मैं हीना खान और सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात कर रही हूँ। आई नो यू गॉट कन्फ्यूज्ड बट डोंट वरी। तो ये दोनों की जो जोड़ी है या फिर इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही गहरी होती नज़र आ रही है। अभी जैसे आपने देखा कि ग्रैंड प्रीमियर नाइट से ही हीना खान थोड़ी सी इंक्लाइन दिख रही है सिद्धार्थ शुक्ला के तरफ, क्योंकि अगर हम सब जो इंस्टेंसेस हुए थे उनको अगर मैं आपके सामने रख दूँ तो आप भी ये कहेंगे कि क्या सच्ची में हीना खान को आ गया है क्रश ऑन सिद्धार्थ शुक्ला। अब बताती हूँ आपको। देखो, पहले दिन क्या हुआ था कि जब ग्रैंड प्रीमियर हुआ उस दिन बिग बॉस के जो होस्ट है सलमान खान, उन्होंने एक एक करके ट्वीट्स बाहर निकाले थे गौहर खान के, जो जहाँ पर गौहर खान ने बहुत ही ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स किए थे अगेंस्ट सिद्धार्थ शुक्ला। तब हीना खान ने बहुत ही एक अच्छा खासा स्टैंड लिया था
एंड वो खड़ी रही थी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ और उन्होंने कहा कि रियलिटी शो के बेसिस पर मैं जज नहीं करना चाहती सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी को। उसके बाद अगर आप देखते हैं नेक्स्ट डे या फिर उसके बाद जब सब कंटेस्टेंट्स की हो रही थी टू बी कंफर्म्ड के टास्क, तब भी सिद्धार्थ शुक्ला और हीना खान के जो स्टेटमेंट्स हैं या फिर उन दोनों के जो ओपिनियंस हैं वो काफ़ी अलाइक दिख रहे थे। उसके बाद वो हो गए एंटर हाउस में, और हाउस में भी अगर आप देखेंगे तो हीना खान और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच बहुत सी बार होती रहती है नोकझोंक। हमने उनको पहले दिन देखा था वॉशरूम के यहाँ पर, जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला और हीना खान के बीच हो रही थी थोड़ी सी नोकझोंक। उसके बाद हमने दूसरे दिन जब टास्क चल रहा था जहाँ पर हीना खान ड्रेस्ड थी एक क्वीन की तरह, उस दिन भी हमने ये देखा कि हीना खान जो चोरनियों के सरदार थे उन पर मार रही थी लाइन और कह रही थी मुझे आप पर ही आ गया है क्रश। तो क्या ही होगा, क्या इन दोनों की जो दोस्ती है गहरी होती नज़र आएगी, क्या उनमें उभरेगा प्यार, क्या तूफ़ानी सीनियर्स के बीच नज़र आएगी प्यार के अंदाज़, क्या कुछ है आपकी राय हमें ज़रूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज़ अड्डा। बिग बॉस के फीमेल कंटेस्टेंट्स के बीच हो गई अफरा तफरी, आइए जानते हैं खबर डिटेल में। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 का दूसरा टास्क क्या है वो देखने मिल रहा है हाल ही में आउट हुए प्रोमो में, और उसमें ये दिख रहा है कि सारी जो गर्ल्स है जो फीमेल कंटेस्टेंट्स है वो अपनी जगह बना के रखने के लिए अब कर रही है एक जंग। जी दोस्तों, इस जंग में ये दिख रहा है कि निकी तंबोली, पवित्र पूनिया और जैस्मिन भसीन एक दूसरे से कसकर लड़ रही है। अब मैं आपको ये बता दूँ, इस प्रोमो में ये दिख रहा है कि जैस्मिन भसीन बहुत ही दिल से, तहे दिल से ये गौहर खान से कहते हुए नज़र आ रही है कि मुझे तो कंफर्म होना है, मुझे यहीं पर रहना है, ऐसे कहती है जैस्मिन। अब उसी के चलते जो नेक्स्ट चीज़ हमें दिख रही है प्रोमो में वो ये दिख रहा है कि जो दूसरा टास्क है जहाँ पर फीमेल कंटेस्टेंट्स को करना है सिद्धार्थ को इम्प्रेस, वहाँ पर हो गई उनकी लड़ाई। अब ये देखने मिल रहा है इन द प्रोमो कि ये जो है ये तीनों भी अब कर रही है सर्व कुछ ड्रिंक्स। अब इन ड्रिंक्स को सर्व करते हुए निकी तंबोली ने उड़ा दिया प्लेट पवित्र पूनिया का। अब पवित्र पूनिया का प्लेट निकी ने तो उड़ा दिया, अब इसके बाद निकी तंबोली चली गई जैस्मिन भसीन की प्लेट को भी उड़ाने। तो जैस्मिन भसीन ने उसको कहा है स्टे अवे फ्रॉम मी अदरवाइज आई विल किक यू, ये जैस्मिन भसीन के वर्ड्स है दोस्तों। और इसके बाद हमने ये देखा कि पवित्र पूनिया कहती है जैस्मिन भसीन के भी ग्लासेस को एकदम से धक्का मारते हुए ये कह देती है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कोई और भी नहीं कर सकता। जी दोस्तों, तो इन सब में ये जो गर्मा गर्मी हो रही है इन द बिग बॉस हाउस वो तो बढ़ती नज़र आ रही है। कब सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान लड़ जाते हैं तो एजाज खान और सिद्धार्थ शुक्ला लड़ जाते हैं, पर इस बार सिद्धार्थ शुक्ला नहीं लड़ रहे हैं पर उनकी जो अभी चोरनियाँ हैं वो दिख रही है लड़ाई करते हुए। तो क्या कुछ है आपकी राय, क्या ये जो माहौल बन रहा है बिग बॉस में क्या ये होगा इनके फेवर में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं हो पाएगा सिलेक्ट, क्या कुछ है आपकी राय जरूर बताइए हमें कमेंट्स में। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। क्या बिग बॉस के एक्स विनर गौतम गुलाटी नजर आएंगे इस साल बिग बॉस हाउस में, आइए जानते हैं खबर डिटेल में। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों हमारे फेवरेट और लेडीज़ के स्पेशली खास गौतम गुलाटी जल्द ही नज़र आने वाले हैं बिग बॉस सीजन 14 में। जी दोस्तों, उन्होंने बिग बॉस को सीधा ये ट्वीट लिखा और उसमें उन्होंने ये बताया कि इस वीक वो क्यों नहीं आ पाए बिग बॉस के हाउस में। जी दोस्तों, उन्होंने एक ट्वीट के द्वारा ये लिखा है, सीधा बिग बॉस को रादर ये क्वेश्चन लिखा है उन्होंने कि सैडली ड्यू टू माई शूटिंग शेड्यूल आई वॉज नॉट एबल टू एंटर द बिग बॉस हाउस दिस वीक, पर क्या कहते हो बिग बॉस, इन सबको जाने दो फिर आता हूँ मैं अकेला।
ऐसा सवाल किया है उन्होंने बिग बॉस से। तो क्या कुछ है आपको कहना, क्या आप उत्सुक है देखने के लिए एक्स विनर गौतम गुलाटी? जी दोस्तों, वो अकेले आने की सोच रहे बिग बॉस हाउस में तूफानी सीनियर बनकर, पर तब जब ये तीन सीनियर्स इन सब फ्रेशर्स को रोस्ट करके अच्छे से निकल जाए, फिर वो आएंगे अकेले। क्या आपको मंजूर है उनका आना? क्या आप देखना चाहते हैं गौतम गुलाटी को लगाते हुए कुछ तड़कता भड़कता तड़का इन द बिग बॉस हाउस दिस सीजन? बताइए हमें कमेंट्स में। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।